हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इन दिनों मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मैंने ज्वेलरी के कुछ वीडियोस डाले थे जो कि कुछ लोगों ने पसंद किए, कुछ लोगों ने नहीं भी पसंद किए। बट मेरा काम है देखो कंटेंट क्रिएट करना, तो जिनके लिए हेल्पफुल होता है उनके वीडियो बनाती हूँ। और मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन चली गई थी अभी 2-3 दिन से। तबीयत से मतलब लाइक हल्का हल्का फीवर सा और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रही थी, हिम्मत सी नहीं थी बॉडी में, तो इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किए थे 2-3 दिन। तो इन दिनों थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं हूँ, लाइक एक वीक के थिंग से, और 2-3-4 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बट आज थोड़ा ठीक है। और आज है गुरु पूर्णिमा, सो मैं मंदिर भी जाऊंगी और बालाजी के मंदिर में जाएंगे, वहां जाके धूप धूप देख के आऊँगी। और साथ में मेरी दी आ रही है, मेरी जो बुआसा की बेटी है ना, तो वो आ रही है, तो मैं उनके साथ मम्मी के साथ में जाऊँगी मार्केट कुछ लहरिए की शॉपिंग करने। साथ में मेरी भाभीसा है, मतलब मेरी बुआसा के ही जो बीनी है, उनके भी बेबी बॉय हुआ है, सो हम उनके लिए भी वो शायद दी पीलिए वगैरह की ड्रेस वगैरह देखेंगे, तो मैं मेरे लिए भी देख लूँगी। तो ये सब शॉपिंग का व्लॉग होगा पर्टिकुलर आज। और आज मैंने न्यू वाली कुर्ती पहनी है, थोड़ी लूज़ ज़्यादा कर दी, बट चलो ठीक है, इस कंडीशन में लूज़ कपड़े सही है। तो पहले तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट जाके खाना खा लेती हूँ क्योंकि दी आ चुकी है। तो इस वाले जो कान की मेरे ऊपर वाली बाली है ना, वो लूज़ हो चुकी है, एक दिन गिर गई थी बाथरूम में, फिर मैंने पहनी, फिर वापस गिर गई। ये देखिए इसमें मैंने पहन रखी है। सो ये बाली है, इसको मैं रख लेती हूँ, आते टाइम ज्वेलर को दिखा लाऊंगी। कितना टाइम लगेगा भैया? जब जल्दी निकलना होता है, जब जल्दी निकलना होता है तब लेट हो जाते हैं। वाईफाई मेरा 3 दिन से ख़राब चल रहा था, उसको सही करवाने के लिए बुलाए थे, कंप्लेंट डाली थी, वो भी जस्ट अब भी आए निकलते टाइम, तो जस्ट बस अब चलता है। और खाना खाएंगे और फिर निकलती हूँ और दिखाती हूँ अभी क्या लहरिए आए हुए हैं और क्या है मार्केट में। और निकलते निकलते मेरा पार्सल भी आ गया है। आई डोंट नो, मैंने 2-3 पार्सल लगाए हुए हैं, कौन सा वाला पार्सल है। कुछ ड्रेसेस करी थी मैंने ऑर्डर, सो ये मेरी ड्रेस आ चुकी है, ये मैंने ऑर्डर करी थी अभी एक दिन नाइट में यूँ ही देखते देखते। और ये यहाँ पर से थोड़ी काफ्तान टाइप में, और इस टाइप की गाउन है, इसको मैं वेयर करके देखूँगी कैसी क्या आ रही है, पता नहीं कैसी क्या लगेगी इस टाइप की ड्रेस। तो लाइक ये गाउन टाइप की आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी शायद, तो मैं किसी व्लॉग में आपको पहने हुए दिखूंगी। इफ़ अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसके अलग अलग कलर्स भी मंगवाऊंगी ताकि अभी प्रेगनेंसी में कंफर्ट रहे। तो सबसे पहले हम आए थे जय महल वाली शॉप पे, वहाँ हमने लहरिए की पोशाकें देखी, गोटापत्ती में देखी जो कि 12 से 13 हज़ार की थी। दीदी ने ये एक पीले का ओढ़ना लिए था, आई थिंक ये 2500 रुपये का था, इसके नीचे 4 मीटर सूट लिया था। और ये कुछ लहरिए की सूट लिए थे कॉटन के, ये डिज़ाइन तो नया नहीं है, ये पिछले साल का ही है, बट उन्हें अच्छे लगे थे तो 2 कलर लिए थे। और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी लहरिए की साड़ियाँ थी जिनकी प्राइस 2500-3000 रुपए थी, ये सारी प्योर में थी और इतना सुंदर कलेक्शन था ना कि आपका कलर देखते ही मन आ जाए इन पे। कौन सी अच्छी लग रही? हाँ ये अच्छी लग रही, ये भी लग रही, वो भी अच्छी लग रही है, पीछे वाली ब्लू देखो बारीक लग रही है ये। हाँ ये वाली, ये अच्छी लग रही है। ये शानदार लग रही है ना, मतलब पसंद आने लगे, पता नहीं इसलिए क्योंकि सपना को अब तो दिख रहा है। हां नहीं लाइक देख रही है ना, कलर ही अच्छा लग रहा, चटक लग रहा है ना एकदम, वो चटक लग रहा है ना, अच्छी भी है। 250 अपने लहरी में बीच में भी था नहीं, वो इसको क्या भोपाल शाही। हां ये भोपाल शाही है, मेरे पास भी है, हमने स्थल सूट में था, सूट में भी चलता है, अच्छी लग रही है ना। कलर देखो दीदी, कौन सी लूं भाई, कौन सी ले लूं? ये आप लेने ले के लिए बोल रहे हो? अच्छा तो दीदी ने यहाँ से 2 सूट लिए थे ये वाले डिज़ाइन के, और साथ में 2 सूट ये वाले लहरिए के लिए थे। तो अभी कुछ ऐसा खास कलेक्शन मुझे मिला नहीं लहरियों का, यही था।
और शॉपिंग के बीच में हम लोग आ गए थे बड़ पीपली महाराज जी के, जो शालीमार चौराहे के पास में है। और आज गुरु पूर्णिमा थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, तो हम लोग पहले यहीं धूप लगाने आ गए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। हेलो, क्या नाम है आपका? कुका नाम बता दो अपना, नाम बता दो अपना। नीवा, नीवा घर तो कई है फूफल जी, अलग ही हमारी दीदी काकी देखी मैंने, भरवा देखो सारा। हेलो, ये हमारी बर्फी शेविंग करवा लूं। तो मैं तब तक वीडियो है होल्ड पे रखूंगी। अच्छा ऐसा है क्या? ये हमारे वन एंड ओनली जूसर पीहर साइड के। अच्छा जी। और इनकी मिसेज का है ये री। ये मत दिखा वैसे वीडियो वगैरह बताने नहीं है क्या? एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसमें? और क्या, अरे अरे ये गई बर्फी, गई आगे लुढ़क गई। भी हम कुछ एक देखते हैं ना मेरे फ्रेंड में, तब याद अच्छे लगते हैं इसलिए बैठी हूं। क्या कंडीशन सब के साथ बैठी है जूस को हम तो गन्ने का पियेंगे। आज जूसा की तरफ से पार्टी है, गन्ने की जूस की है ना जूसा भाई। सल्ट का जूस का तो हां बना दो भैया, सात ग्लास बना दे भाई। फिर आगे की पार्टी देगा हमारा भाई, आगे की पार्टी भाई देगा हमारी। अभी जूसा दे रहे आज तो देख मोहित, तो मैं ही आई हूँ, मन पे खड़ी इतना तोड़ना है कुछ। मैं बैठी थी आज ले मोहित ने, मैं दूंगा पार्टी, मैं दूंगा पार्टी। देख तो देख पांच पानी वाली पताशी बर्गर पीस सब खा के जाऊंगी आज, मैं दूंगा पार्टी, पैसा कैश दूंगा। ठीक है फिर, चिंता ही मत कर मां, मैं तेरे मुंह पे रख दूंगी अगर तेरे पर्स में हाथ डाल लोगे तो। हां डाल ही लिया उसने, मम्मी देख के मेरे पर्स में रख दूंगा पार्टी। मैं पार्टी एयरफोर्स में, मैं दूंगा पार्टी। अगर मुझे एक रुपए भी कम मिले ना मेरे ऊपर से, एक नहीं मिले कई मिले। चप्पल गाइस। और उसके बाद में रास्ते में ये हमें मिट्टी की कुछ बॉटल्स दिख गई थी जो कि मुझे बहुत सुंदर लगी, मैंने पहली बार देखी थी। एक लीटर में थी आई थिंक, ये दो लीटर में थी, 200-300 रुपए में ये थी। चिट्टी आती है उसमें, कितने लीटर होगी वैसे? एक। मैं देखी कितने का? ना देखो मम्मी ले लू एक, कमरा में रख लूंगी मेरी। हेलो ठंडा रहा होगा कोई? नहीं तो दे बताओ ठंडा रहता है या? वो गुल्लक कितने का है? गुल्लक ओहो ये मटिया भी लगा रखे सही में, मट्टी अंदर है दिखाइए। 50 वाला गुल्लक, छोटी बड़ी मटकी भी ठंडी होती है सब। और यहीं से हमने ये गुल्लक भी लिया था मम्मी ने। और फिर हम लोग आ गए थे एक बुटीक पे जहाँ पर ये कुछ ड्रेसेस, ये ड्रेसेस हमने परचेज़ नहीं करी है, ये हमने बनवाई हुई हैं। मतलब यहाँ से हमने कपड़ा दे दिया था, स्टिचिंग वगैरह करवाई थी। तो ये एक येलो कलर की ड्रेस हमने बनवाई थी कपड़ा लेके, नीम का थाना में जो मेरे ये दी जूसा है इनका शोरूम है तो वहीं का फैब्रिक था, तो यहाँ से स्टिचिंग करवाई थी। देखिए सारे फैब्रिक वहीं के आए हुए हैं। तो अभी ड्रेसेस बन गई थी तो हम लोग उन्हीं को ले रहे थे कि कैसे क्या, हर कुछ ड्रेसेस पे हमने डिज़ाइन करवाई थी। तो ये बहुत अच्छा बुटीक लगा मुझे, मतलब लाइक कपड़ों वगैरह पे आपको कोई डिज़ाइन वगैरह करवानी हो तो मैं आपको ये वाला लहंगा भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से नेट में था ये जो लहंगा था, मतलब पूरी जो ड्रेस थी वो नेट में थी। और ये वाली ड्रेस मतलब फैब्रिक अच्छा इतना नहीं लगा था, बट स्टिच होने के बाद में जब आया और इसके साथ में ओढ़ना बनवाया था तो इसमें तीन कलर थे फ्लावर में, तो तीनों कलर का कंबाइंड करवा के और ये देखिए ओढ़ना बना था। तो ये एक ड्रेस रेडी हो गई थी और साथ में ये ब्लू कलर का नॉर्मल कपड़ा दिया था, इस पर ये वाला जो तारे वाला काम करवाया था। साथ में हमने एक पीले की पोशाक देखी थी भाभी सा के लिए जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ज़्यादा सही लगी थी। और ये ड्रेस है ना सच में बहुत सुंदर लग रही थी देखी हुई, मतलब वर्क भी काफ़ी अच्छा था, प्राइसेस वगैरह बहुत अच्छी थी। तो दी जो है वो डालेंगे हमारे भाभी सा के, और एक और ये ड्रेस देख रहे थे हम भाभी सा के लिए ही। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि ननद देती है पीलियाँ। अभी हम आए हैं फिटिंग वाली मैक्सिया देखने भाभी सा के लिए, जापे में ये वाली मैक्सिया काम आती है। मैं भी देखूंगी बट मुझे थोड़े कम पसंद है, सही है ग्रीन ब्लू सारे सारे ऐसे हैं। अच्छा ये ऐसे यहाँ से बटन है ना, किसी के बटन में किसी के साइड में चेन है। हाँ चेन वाली नहीं है,
डबल साइड चेन होती है ना? नहीं मैडम, कोई बटन वाले नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ इधर से ये चेन है ना, दोनों तरफ है सब में। तो भाभी साहब के लिए दो फिटिंग ये गाउन लिए थे, एक तो ये वाला कलर लिया था और एक ये वाला कलर लिया था। भी कम है, लंबाई भी कम है, लंबाई भी कम है। पर ये सुहाई की नहीं, एक तो घर में अपने से कंफर्ट होके सोए, वो कंफर्ट नहीं है, चुभने वाली चीज है, ऐसे मेरे पानी तरह बिकता है, मैं चुभने पर फिर भी भैया कंफर्ट वाली चीज नहीं है ये। अच्छा चलने वाला दो नहीं मेरे पास, और दिखाते हैं दूसरा मिल जाएगा, देख लो साइज छोटा भी है, ये भी छोटा है, इसको दिखा रहा हूं आपको, इसीलिए हां इसीलिए को बड़ा दिखाओ, ये देखो ये कैन साइज है, दो छह जन आ गई, दो छह भाई भी इसमें है, साइज में आ रहे हैं, ये पैक करवाओगे भैया, ये फंस गई। और पतली चूड़ियां, इसमें सवा दो भी दे दो, रेड ग्रीन में सजेस्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो घर में आ चुकी हूँ और शाम को मतलब 6 बजे के समथिंग आ गई थी, और मेरे जिठानी सा है वो भी आ चुके हैं। आज था पापा का बर्थडे, आपने क्लिप देखी थी। सो दाल बाटी चूरमा बना है, अब खाना खाऊंगी। किचन में इतना ज़्यादा इन दिनों गर्मी का वो हो रहा है ना, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, से टप 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 हो रहा है हम दोनों के। तो बस मैंने तो फटाफट से शावर लिया है और अभी बज रहे हैं 9:30, शावर लेके चेंज कर लिया, अब सुकून से बैठ के खाना खाऊंगी, भूख लग रही है। तो दाल बाटी चूरमा एंजॉय करूंगी। सो ये है मेरा खाना, थोड़ा सा बिखर गई दाल चूरमा, मुझे मिर्ची के ट्रिपोलो के साथ पसंद है बाटी।